अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद शायदा समर। कैसे हैं आप सब? आज हम मज़ेदार और बहुत ही सिंपल रेसिपी लेके आए हैं और आज मैं बना रही हूँ बैंगन के पकोड़े। और अगर आप पंजाब साइड पे हैं तो आपको ज़रूर इस रेसिपी का पता होगा, क्योंकि वहाँ पर ये रेसिपी गर्मियों के सीज़न में बहुत बनाई जाती है। चलें जी, आज हम भी बनाएंगे और उसको इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर हमने रखा हुआ है 1 कप बेसन, और 1 टीस्पून में लूंगी यहाँ पर सफेद जीरे का पाउडर, और 1 टेबलस्पून में ऐड करूंगी सूखा धनिया, उसका पाउडर हम यूज करेंगे, और 1 टेबलस्पून में यूज करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून में ऐड करूंगी सॉल्ट। बस हमने कुछ भी नहीं करना, सिंपली हमने पानी से इन सारी चीजों को एक मिक्सचर बना लेना है, और हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं बेसन के अंदर, और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, और हमारा पकौड़ों का बैटर बिल्कुल हो जाएगा रेडी। आप भी इस यूनिक रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये पंजाब की तरफ बहुत ज़्यादा बनती है। चलें जी, ये हो गया, अब हम इसके बैंगन के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, इस मेथड को मैं साइड पे करूंगी। और यहाँ पर है मेरे पास 2 अदद बैंगन, और मैंने इनको गोल स्लाइसेस में इसकी कटिंग कर ली और पानी में डुबो के रख दिया था, और ये अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। चलें जी, यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया और अब हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, इस तरह हम बनाते जाएंगे और गोल्डन कलर होने पे हम इसको निकाल लेंगे। चलो जी, यहाँ पर हमने सारे डाल दिए और ये गोल्डन होना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये बहुत अच्छे तरह से ये गल जाएंगे अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर पकोड़े हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और मैं इनको निकाल के आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। और ये देखें, ये बिल्कुल खूबसूरत कलर आ चुका है और ये हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अच्छा जी, हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल कंप्लीट, और आज हमने बनाए बैंगन के पकोड़े, और बहुत ही टेस्टी रेसिपी, और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं कुकिंग विद शायदा समर के नेम से। चलें जी, आज की रेसिपी हमारी हुई कंप्लीट, हम कल मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।